प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से जो प्रभु को पाने का रास्ता हमें संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज दिखा गए हैं, उस पर चलने के लिए, तेज़ी से चलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हर एक इंसान यही चाहता है कि वो एक ऐसा जीवन जिए जो सुख से भरा हुआ हो। प्रभु ने ज़िंदगी दी ताकि हम अपने मकसद को पालें। मकसद हमारा क्या है, ये कई बार समझते समझते बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं उसमें इतने खिंचाव हैं कि बहुत सी बार हम समझते हैं कि शायद मकसद इस दुनिया में कुछ पाने का हुआ। और फिर जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती है, तो जब तकलीफ़ इंसान की ज़िंदगी में आती है तो उस समय वो डावाडोल हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, पिता परमेश्वर शायद मेरा ख्याल नहीं कर रहे। तो दुखों से ज़िंदगी भरी क्यों है? तो सुख चैन की ज़िंदगी हम सब जीना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि उस किस्म की ज़िंदगी को हम पालें, कोशिश करते हैं। लेकिन रोज़ाना देखते हैं कभी यहाँ से तकलीफ़ आ गई, कभी वहाँ से तकलीफ़ आ गई, और आस्ते आस्ते इंसान उस स्तर पर पहुँच जाता है जहाँ उसे लगना शुरू हो जाता है कि शायद सुख की ज़िंदगी हमारी किस्मत में ना हो। ऐसे एक नौजवान था, दुनिया की चीज़ों से घबरा गया था, तो लगा मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। तो उसने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़कर खुशियाँ पाने के लिए निकलूँ, देखूँ शायद यहाँ से दूर जाऊँगा तो कहीं और खुशी मिल जाए, कि यहाँ तो जो मैं रह रहा हूँ मुझे दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। तो निकल पड़ा, जाता गया जाता गया जाता गया, अंधेरा होने वाला था, उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, रास्ते में कहीं रुका नहीं था, पता भी नहीं था कि जा कहाँ रहा है, मैं लगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। बहुत प्यास लगी थी, जा रहा था, अंधेरा होने वाला था, तो उसने देखा कि एक चौराहे पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा है। उसे पूछा कि मुझे पानी पीना, बहुत प्यास लग रही है, तो कहाँ पे पानी मिलेगा? तो उस बुजुर्ग ने उसे कहा कि तू इस तरफ चले जा, यहाँ पे एक नहर पास कर रही है, वहाँ से पानी पी लेना, तेरी प्यास भी बुझ जाएगी। और जब वहाँ होगा तो वहाँ पे ना बहुत से पेबल्स, छोटे 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 पत्थर पड़े होंगे, तो उनको उठा लेना, तो उठाएगा तो तेरे को लगेगा कि तेरे को खुशी भी मिल गई है और गम भी मिल गया। फिर कह के वो बुजुर्ग आदमी चला गया। ये नौजवान को तो बहुत प्यास लगी हुई थी, तो वो जो रास्ता उसे बुजुर्ग ने दिखाया था उस पर गया, नहर के पार पहुंचा, पानी पिया, जो जान लगा तो उसे ख्याल आ गया कि बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि यहाँ पर पेबल्स, काफ़ी वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े होंगे नहर में, उनको उठाना तो तेरे को खुशी मिलेगी, हो सकता है गम भी मिले। तो उसने वो पत्थर उठाए, अपने बैग में रखे और निकल पड़ा कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ वो रात को सो सके। तो जब वो जा रहा था तो एक सराय उसे दिखाई दी, वहाँ जाकर एक कमरा लिया और वहाँ सो गया। जब सुबह उठा, उसने अपना बैग खोला, उसको खोला तो उसमें तो उसको पत्थरों की जगह सब हीरे हीरे मिले।
जिसको वो पत्थर समझ रहा था वो सब हीरे थे। बड़ा खुश हुआ कि तो बड़ा अच्छा, मेरे को तो इतने हीरे मिल गए हैं, अब तो मैं ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजार सकता हूँ और अब तो मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि हम सब सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा हीरे जोरात होंगे, हम खुश होंगे। और बड़ा खुश एकदम उसे लगा, ओहो मैं तो ज़्यादा क्यों नहीं उठा के लाया, तो और भी उठा लेता, इतने वहाँ हीरे थे। भागा 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 गया नहर पर, नहर पर गया और उसने हाथ पानी के अंदर डाला और उठाए और सब के सब पत्थर निकले। बड़ा उदास हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, मैं तो अगर रात को ही सारे उठा लेता तो सारे हीरे मिलने थे शायद, दोपहर में पत्थर हो गए वहीं रुक गया, गया ही नहीं। अगले दिन रात को फिर नहर पर गया, उठा के लाया, देखा सुबह सब पत्थर के पत्थर ही थे। तब उसे समझ में आई कि खुशियां और गम इंटरमिंगल हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो खुशी से भरपूर होते हैं, फिर कुछ क्षण ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें दुख होता है। तो हमें ये देखना है कि हमें जो हमें लग रहा है दुख आ रहा है उसको समझना कैसे है। जिसे हम दुख समझते हैं शायद उसमें ही हमारी भलाई हो, शायद वही समय तकलीफ का हो जबकि हमारे कर्म कट रहे हों। तो अगर हमारी समझ सही होगी तो फिर कोई भी तकलीफ हमें तकलीफ दिखाई नहीं देगी। तो बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि उस स्टेट तक हमें पहुंचना है। महापुरुष जो इस धरती पर जब से इंसान बने आते रहे हैं और हमें बार 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 ये समझाते रहे हैं कि हम सब सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं, हम में से हर एक सुखी हो सकता है अगर हमारी समझ सही हो जाए। क्योंकि अगर समझ सही होगी तो हमारे विचार सही होंगे, विचार सही होंगे तो बोल सही होंगे, बोल सही होंगे तो हमारे कार्य सही होंगे। अगर समझ सही नहीं हुई तो विचार सही नहीं हो सकते। जैसी इंसान की समझ है वैसे उसको कहलाता है। अगर विचार सही नहीं होंगे तो बोल कभी सही नहीं होंगे, जो अंदर से आपके विचार जैसे वैसे ही आपके बोल होंगे, और बोल सही नहीं होंगे तो आपके कार्य कभी सही हो नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है कि हमारी समझ सही हो, ठीक हो। और महापुरुषों के जब हम वचन पढ़ते हैं, जो चाहे 100 साल पहले लिख गए, चाहे 1000 साल पहले लिख गए, चाहे 5000 साल पहले लिख गए, वो आज भी उतने सही हैं जितने तब थे। क्योंकि उनके वचन सच के बोल थे। गुरबाणी में भी आया कि आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये जो सृष्टि के शुरुआत में सच था वो आज भी सच है और सृष्टि के आखिर तक सच रहेगा। और उसी सच्चाई को समझाने के लिए बार 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 महापुरुष यहाँ आते हैं, ताकि हम जो कि मन माया के पर्दों के पीछे फंस गए हैं, हम जो काल के जाल में जकड़े गए हैं, हम जो यही समझते हैं कि सब असलियत सिर्फ वो है जो इन आंखों से देखी जाए, इन कानों से सुनी जाए, कि हमें समझ में आया कि इसके आगे भी कुछ और है। कि जो ये इंद्रियां हैं देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, स्पर्श की, ये सिर्फ ये बाहर की चीजें के साथ इंटरैक्ट करने की हैं, कि उससे कहीं आगे हमारे अंदर बहुत कुछ है। और अगर सिर्फ बाहर की चीजों को देख के ही उसे असली समझते रहे तो सच्चाई तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो उन पर्दों को वो हटाने आते हैं ताकि हम सच्चाई जो हम सबके अंग संग है, सच्चाई जो कण कण में समाई हुई है, पिता परमेश्वर जिसकी हम संतान है, पिता परमेश्वर जिसको पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उस पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं
उनसे प्रेम करें और प्रेम के जरिए उनसे एक में को, यही जिंदगी का मकसद है। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। और जो प्रभु की नजदीकी पा गया, जिसकी समझ सही हो गई, उसको फिर इस दुनिया में कोई गम नहीं। संत नामदेव जी महाराज, जो कि 700-800 साल पहले इस धरती पर आए थे, बहुत कुछ पिता परमेश्वर के बारे में समझा गए हैं। हम आजकल के टाइम में जो जीते हैं, हम समझते हैं कि हर एक चीज शायद साइंटिफिकली अगर प्रूवन होगी तभी सही है। हम सोचते हैं बाकी चीज़ें तो पुरानी कहीं का आई हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं है ठीक। पर साइंस बहुत तरक्की कर रही है और जो साइंटिस्ट कहते हैं वही सब ठीक होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ें महापुरुष हजारों साल पहले कह गए हैं, वो साइंटिस्ट अब उसी नतीजे पर पहुंच ही चले जा रहे हैं। ईस्ट में यही बिलीफ है कि 84 लाख जी अर्जुन है। ये संत महात्मा बड़े सालों से कह रहे हैं। अभी 1.5-2 साल पहले ही रिसर्च हुई यूरोप में, कई साइंटिस्ट ने बड़ी रिसर्च करी कि देखें कि कितनी योनियां, और उन्होंने अंदाजा लगाया कि 7 मिलियन से 9 मिलियन के बीच में, एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं लगा उनको, 7 मिलियन और 9 मिलियन के बीच में ही 84 लाख आता, वो 8.4 मिलियन है। तो इंटरेस्टिंग है कि साइंस भी आस्ते 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 उस ओर बढ़ रही है जो महापुरुष समझा गए हैं। गुरबाणी में आया एक पिता एक अस्के हम बारक, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में आया। अब सुनते तो हम रोज हैं, जिंदगी में ढालते हैं क्या? जिसको देखते कहते ये भी हमसे अलग है, वो भी अलग है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो सोचते हम बहुत ठीक हैं, ये बाकी सारे खराब हैं। क्यों समझते हैं ऐसे? क्योंकि भारी रूप से हमें वो देखने में अलग लगते हैं, और शायद बातचीत भी अलग करते हों, शायद उनके रिस्पॉन्सेस भी अलग अलग हों। पीछे 5-6 साल पहले एक जीनोम प्रोजेक्ट था कि इंसानों की जीन्स, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि ये बच्चा ये अपने दादाजी के जैसे लगता नहीं है, खाली हरकतें भी वैसे करता है, ये बच्चा ये अपनी नानी के ऊपर गई है। तो साइंटिस्ट पता कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स क्या है बच्चों का अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, चाचा चाची से, क्या है रिलेशनशिप। तो उन्होंने जीन्स, कहते हैं 20 से 25 हज़ार जीन्स एक इंसान के अंदर है, और उनको मैप करा कोने कोने से दुनिया के लेके इंसान, इस नतीजे में पहुंचे कि 99% से ज्यादा सबकी जीन्स एक जैसी हैं। 1% से कम, कोई कहता है 1% से कम, कोई कहता है 0.5% से कम, कोई कहता है 0.1% से कम, लेकिन जितने भी ये साइंटिस्ट रिसर्च हुए सब कहते हैं 1% से डेफिनेटली कम है जीन जो अलग है। उस पर निर्भर है हमारी शक्ल कैसी है, हम लंबे कितने हैं, हमारे स्किन का जो कलर है वो कैसा है। जिसको हम देखकर कहते हैं ये इंसान हमसे अलग है, वो 1% से कम है, 99% साइंटिस्ट भी कह रहे हैं हम सब एक ही हैं। लेकिन चाहे इस रिजल्ट को आए 5-6 साल हो गए, लेकिन दुनिया में क्या लड़ाइयाँ कम हुई हैं? इंसान लड़ाई करता क्यों है? वो चाहता है कि मैं किसी और का वो मेरा हो जाए, या तो चाहता है कि मेरे से किसी ने कुछ ले लिया मैं वापस ले लूँ, या वो चाहता है यहाँ पर मेरी हुकूमत हो जाए और मेरी मर्जी चले। और इसीलिए इंसान लड़ाई करता है, चाहे घर में करे, चाहे बाहर करे, चाहे वॉर्स हों, चाहे बैटल्स हों, वो सब इसीलिए होते हैं कि जो एक तरफ के लोग सोचते हैं कि हमारी चले, दूसरी तरफ के सोचते हैं हमारी चले। और हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान है। और बार 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 जब भी किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ो, हमें यही समझाएगा कि मिलजुल के रहो, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, बहने बहने हैं। और चाहे हम उसे सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अंदर वो जाता नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से हमें यकीन नहीं होता। तो अंदर से यकीन कब होगा? जब उस एकता का हम अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए
भजन अभ्यास पर जोर दिया जाता है कि भजन अभ्यास के जरिए हम अपने अंदर पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। और जब अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का हमें अनुभव होता है तो अंदर से ये यकीन हो जाता है कि वही प्रभु की सत्ता बाकियों में भी है। और फिर सब रूप में हमें प्रभु के दर्शन होते हैं। संत नामदेव जी महाराज इसी को और अपने लफ्जों में खोल के समझा रहे हैं। ये वो भाषा है जो शायद 700-800 साल पहले जहां वो रहते थे महाराष्ट्र में प्रबलन थी। तो फरमा रहे हैं कि एक अनेक व्यापक पूरक जब देखो तत् सोई। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझे कोई। तो फरमा रहे हैं कि एक ही पिता परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है और सब जगह पर है और कोई कोई ही उसे पहचान सकता है कि एक अनेक व्यापक पूरक। एक ही पूर्ण पिता परमेश्वर है, उसको सब कुछ ज्ञान है, सबकी जानकारी है। और जत देखो तत सोई कि जहां भी मैं देखता हूं संत नामदेव जी महाराज वहां पे मुझे पिता परमेश्वर ही दिखाई देते हैं। उसे हम ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, वाहेगुरु कहें, यहोवा कहें, अल्लाह कहें, किसी भी नाम से पुकारें कि जहां जहां मैं देखता हूं वहां पर वो पूर्ण महापुरुष मुझे पूर्ण पिता परमेश्वर दिखाई देते हैं। और माया चित्र विचित्र विमोहत, वो कह रहे हैं जो माया है ये जो देखने में कुछ और है असलियत में कुछ और है, जो इल्यूजनरी वर्ल्ड है कि बिरला बुझे कोई, कि यहां पर कोई 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 होता है जो कि सच्चाई को जान सकता है, नहीं तो माया के जाल में हर एक जो हमें दिखने में कुछ लग रहा है उसी को सच समझ के ये जिंदगी को गुजार देते हैं। अगर इन लफ्जों को हम समझने की कोशिश करें कि पिता परमेश्वर सब जगह हैं, सब जानने वाले हैं, तो इंसान की जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, उसके दायरे से ये समझ बाहर है। हम लोग तो यही समझते हैं कि एक इंसान जितना मर्जी ज्ञानी हो जाए फिर भी ज्ञान सीमित रहता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपने बैचलर्स डिग्री करी, मास्टर्स डिग्री करी, पीएचडी करी, उससे ऊपर तो कोई डिग्री आई नहीं यहां पर, तब भी आपको ज्ञान उसी चीज का होता है जो नैरो हुआ जाता है। बैचलर डिग्री में थोड़ी आपकी बेस बड़ी होगी, फिर मास्टर्स डिग्री करोगे उसमें स्पेशलाइज करोगे, पीएचडी करोगे जिस पे रिसर्च करोगे उसी का आपको बहुत ज्ञान होगा।